उमेश यादव इस सीरीज में सबसे असरदार तेज गेंदबाज नजर आए। जी हाँ, दोनों टेस्ट मैच में को अगर देखें तो कमाल की बॉलिंग की, पहले टेस्ट मैच में भी बढ़िया बॉलिंग की, और ये मुझे जैसे मैंने कहा पहले भी कि जब सब कॉन्टिनेंट जैसी कंडीशन होती है तो उमेश यादव मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस बॉलर हो जाते हैं। कुलदीप यादव को बाहर बैठाना गलत फैसला? थोड़ा सा 50-50 है, मुझे ऐसा लगता है कि पिच को देखते हुए ये इतना बुरा फैसला नहीं था, बट कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उनको लगातार मौके नहीं मिलते, और खास करके जब आप पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच हो तो थोड़ा सा मे बी आप सोच सकते हो कि शायद उनके लिए ये फैसला अच्छा नहीं। मोमिनुल हक ने बांग्लादेश को मैच में आगे कर दिया है। कुछ हद तक मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो 50 रन शॉर्ट है, अगर 275-300 का स्कोर होता तो शायद मैं ये कहता कि बांग्लादेश आगे है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन का खेल के बाद भारतीय टीम डेफिनेटली मुझे लगता है ज्यादा खुश हो। वेरिएशंस लाने के चक्कर में अश्विन ने पहले दिन कई लूज गेंदे भी डाली। ये चीज जी हाँ बिल्कुल, और अश्विन की ये यू नो ये हमेशा से आदत रही, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब वो वेरिएशन अच्छी गिरती है तो हमको पता है उनको विकेट मिलती है और वो बैट्समैन पे प्रेशर डालते हैं, तो कभी कभार वो चीज नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन कर लिया, बट आई थिंक अश्विन के साथ ये रिलेटेड है, वो इसी तरह से गेंदबाजी करते हैं। तीन तेज गेंदबाजों को खिलाने का फायदा भारत को नहीं मिला? आई थिंक मुझे लगा मिला, क्योंकि दो विकेट जयदेव ने लिए हैं, चार उमेश यादव ने लिए हैं, सिराज तो ऑब्वियसली यू नो रहते ही हैं गेम के अंदर, ऑल द टाइम अटैक करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डे वन में, और एक चीज अच्छी हुई कि भारत की पहले बॉलिंग आ गई तो वो तीन गेंदबाज यूज करने का उनको मौका मिल गया। अक्षर पटेल से पहले दिन कम गेंदबाजी कराने का फायदा बांग्लादेश को मिला। जी हाँ, मैं थोड़ा सा यू नो सरप्राइज था कि बहुत देर के बाद उनको बॉलिंग करने लगा, हालांकि पिच में मॉइस्चर थी और अश्विन भी बॉल स्पिन कर रहे थे, तो थोड़ा उनको इतना लेट लाना मैं खुद भी सरप्राइज था, क्योंकि चाहे लेफ्ट हैंडर्स भी हो बट ये टेस्ट मैच है, ये वाइड बॉल क्रिकेट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली सरप्राइज था कि अक्षर को बड़ा देर से बॉलिंग पे लाया गया।